एस्प्रेसो 2021 पेट्रोल मैनुअल VXI प्लस एट 100। इसका 0 to 100 भी यहीं कर लेते क्यों टाइम वेस्ट करना है। हाय एवरीवन, टुडे हम ड्राइविंग मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। ये भी चैनल पे पहली बार आज, और जो वेरिएंट गाड़ी का फिलहाल आप फ्रेम में देख रहे हो दैट इज़ VXI प्लस। ये टॉप मॉडल है, मैनुअल और पेट्रोल के अंदर है, CNG वाला नहीं है, ठीक है। तो VXI प्लस MT है, 5-speed manual transmission। अब गाड़ी के बारे में कुछ कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, जिस तरीके से मैं बताता हूँ। इसमें K10B सीरीज़ का 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 63 BHP। टॉर्क गाड़ी का है 90 न्यूटन मीटर, और जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज़ 180 mm है, ठीक है। और टायर सेक्शन फिलहाल इसमें है MRF के टायर्स, और जो टायर सेक्शन मुझे अभी फ़िलहाल दिख पा रहा है गाड़ी में दैट इज़ 165/70 R14, ठीक है। ये गाड़ी का ऐसा रियर लुक है। दो पार्किंग सेंसर आते हैं, और बूट स्पेस की अगर बात करी जाए तो इट कम्स विथ 240 liters ऑफ बूट स्पेस, ठीक है, 240 ये पार्सल ट्रे हो गया। और ऐसा और 27 liters का फ्यूल टैंक है गाड़ी में, ये ऐसा कुछ अपना लेफ्ट साइड से। और ये टॉप मॉडल है फिलहाल, मैं फिर से बता देता हूँ, पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन का VXI प्लस। अब गाड़ी के अंदर बैठ के अंदर की कुछ बातें करते हैं। पावर विंडो के बटन आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है, लाइक वैगन आर विंडोज़ बहुत बड़े हैं गाड़ी के। ऐसे कुछ सीट्स हैं, यहाँ से देखोगे ना तो अभी मैंने कौन सी काइगर देखी थी, काइगर से बड़ी सीट्स एस्प्रेसो की हैं। काइगर दिखने में गाड़ी बहुत बड़ी है, लेकिन सीट्स गाड़ी की जो एस्प्रेसो की उससे अच्छी हैं, ठीक है। और ऐसी चाबी आती है इस इवेंट्स। अब गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा बात करते हैं, लग गया। तो ऐसा है गाड़ी का, देख लो ये स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो म्यूज़िक से रिलेटेड है, मोड चेंज करने के लिए, कॉल कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट करने के लिए। और ये पावर विंडोज़ के दो बटन हैं, ये हैज़ार्ड, चलो मैं की लगा देता हूँ एक बार। वही 7 inches का टच स्क्रीन है जो इनकी महंगी गाड़ियों में भी आता है, सेम ब्रेजा तक भी। एसी के कंट्रोल, ये फ़ैन का, ये टेम्परेचर का, ये मोड का, ये अंदर बाहर सर्कुलेशन चेंज करने के लिए 12 volt, एक यहाँ पे USB, 2 cup holders, 5-speed का मैनुअल। ये मुझे पुरानी 800 की याद दिला रहा है। हैंड ब्रेक भी वैसे ही है जैसे ऑल्टो में आता है। और 4 AC vents, छोटा सा बिल्कुल नन्ना साइज का डैशबोर्ड है, बोनेट दिखाई दे रहा है, लेकिन गाड़ी का कलर ऐसा है कि रोड के साथ मैच हो जाएगा, तो आप कई बार डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे बोनेट की जो आपका जो एरिया, मतलब कहाँ तक बोनेट की लेंथ है, अगर बोनेट में देखने की अगर आदत है। एक छोटा सा IRVM है, और ना लाइट ना कोई मिरर, और यहाँ पर ये रीड लाइट है, और आगे कुछ नहीं है, ये नहीं खुलता है, और यहाँ पे है ग्लव बॉक्स। चलो पीछे की बात करते हैं। बाय द वे इसमें स्पीकर्स हैं फिलहाल, आगे पीछे मैं देख लेता हूँ। ये आधार कार्ड है, एंड दिस इज़ समथिंग इम्प्रेसिव इन एस्प्रेसो, खासकर पीछे जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और ये देख लो, मैंने सीट अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई है, और इतना कुछ स्पेस है गाड़ी में, पीछे काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस आपको गाड़ी जो है एस्प्रेसो दिखाई देगी। ये फिक्स हेड रेस्ट्रेंट्स जो कि वैगनार में भी आते हैं, तो इसमें तो आप एडजस्टेबल की उम्मीद कर नहीं सकते, ये भी कुशन वाले हैं। और जो रियर विंडशील्ड है उसका साइज़ काफ़ी सही है, ठीक है। सीट्स एकदम फ्लैट हैं, कोई थाई सपोर्ट एज सच इस गाड़ी में नहीं मिलने वाली है। अब मैं ये भी बताऊँगा कि ये चीज़ें आप इस गाड़ी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ओके, क्योंकि ये गाड़ी ली जाती है माइलेज के लिए। ये हम हटा देते हैं, ये गाड़ी ली जाती है माइलेज के लिए, और इसमें आप फीचर्स वगैरह ये सब ज़्यादा डिमांड ना करें तो ही अच्छा होगा। अब गाड़ी ड्राइव करते हैं, और खाली पेट्रोल का है, और वेट करना इसका CNG का है, उसका रिव्यू भी आएगा, ओके। अब हमने गाड़ी स्टार्ट कर दिया, फिलहाल नॉइज़ वही अपना जो 1000 cc का इंजन करता है। कैबिन में वाइब्रेशन ट्रांसमिट हो रहे हैं, स्टेयरिंग में भी हैं, आप बता सकते हो इजीली, दरवाज़ों में हाथ रखोगे तो हो सकता है, ठीक है। अब ड्राइव करते हैं। इसका क्लच मैंने पता बहुत दिक्कत है, मैंने एक और जो एस्प्रेसो चलाई उसमें भी कि क्लच एकदम पूरा एकदम जैसे ऐसे है, पैडल पूरा ऊपर आके मेरा पैर दर्द करने लगेगा ना तभी इसका बाइटिंग पॉइंट आता है, पूरा ऊपर जाकर छूटती है इसकी क्लच। चलो गियर शिफ्ट रेंज जो है थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन सॉफ्ट है तो थोड़ा सा एडजस्ट वहाँ पे हम कर सकते हैं।
सॉफ्ट है गियर एक्चुअली। अब एक और काम भी कर लेते हैं यहीं, इसका 0 to 100 भी यहीं कर लेते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना है। एस्प्रेसो 2021 VXI प्लस पेट्रोल मैनुअल 0 to 100। अरे उम्दा, बहुत ही ज्यादा शानदार मैं कहूंगा इस चीज को। ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं सीएनजी वाली वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ और सीएनजी वाला इंजन मैंने चला लिया है। एक फर्क बताऊंगा मैं आपको, जो गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में आ रही है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी सेम गाड़ी जो पेट्रोल प्लस सीएनजी में आ रही है। एस्प्रेसो के साथ ऐसा है, सीएनजी वाली मैंने चलाई है लेकिन इसका पिकअप उस गाड़ी से बेटर है, ठीक है, ये चीज मैं क्लियरली बोल देता हूँ। बहुत ही शानदार पिकअप है और मैंने एक्सपेक्ट, सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं किया था इस तरीके का पिकअप इस गाड़ी से। टाइमर देख लेना, मैं फिलहाल स्टॉपवॉच लेके नहीं चल रहा हूँ तो मैं वो डाल दूंगा। और अब जैसे गाड़ी जब हमने स्टार्ट करी तब जो वाइब्रेशंस थे वो फिलहाल इतने अब नहीं है, दरवाजों में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है स्टीयरिंग में। और एस्प्रेसो का जो विंडशील्ड है मेरे ख्याल से मारुति लाइनअप में सबसे छोटा विंडशील्ड है जितनी भी गाड़ी है, लेकिन एक चीज अच्छी है, विड्थ सही है तो विजिबिलिटी ओवरऑल बहुत अच्छी मिलने वाली है। बोनेट आपको दिखाई देता है लेकिन जो चीज मैंने बोली थी कि गाड़ी का कलर ऐसा है कि डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि रोड है कि बोनेट है, एक जैसे कलर हो जाते हैं। प्लस रोड का जब रिफ्लेक्शन चलता है इसके ऊपर, पेड़ वेड जब इसके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ता है तो ज्यादा पता नहीं सकते कि बोनेट है या रोड है, लेकिन दिखाई दे रहा है। छोटा सा यहाँ पे मीटर है, स्पीडोमीटर अच्छा दिखाई देता है, दिन में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कलर जो है चूज किया गया है लाइट के लिए, ऐसा है गाड़ी में। और एसी के साथ परफॉर्मेंस देख लेंगे, एसी वाला दबा दिया, ब्रेक टेस्ट भी करेंगे। बहुत ही बढ़िया। और अगर पावर विंडोज नीचे करने हो तो जैसे मैंने विंडोज नीचे करने तो मैंने बताया था पावर विंडोज के बटन यहाँ पे हैं और मिरर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। चलती गाड़ी में नहीं करना चाहिए बट ठीक है, मुझे मेरी ऑल्टो की याद आ गई, मैं ऐसे ही करता था। एसी काफ़ी सही है, कूलिंग रियली गुड, ठीक है। अब देखो, अगर मैं झूठ, देखो आप ऐसे ये मत समझना मारुति की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन इसकी सीट्स काफ़ी सही है। थाई कह रहा हूँ, जो आपका बैक सपोर्ट है ना, जैसे साइड से जो इसका सीट एक तरीके से पीछे से बैक को हक कर लेती है वो काफ़ी सही है। लेकिन अगर आप लीन है मेरी तरह, थोड़ा स्किनी है तो ठीक है, थोड़ा सा वाइडर होंगे तो सीट्स आपको ऐसा लगेगा पीछे छोटी हैं, ठीक है, ऐसा सा है, लेकिन नीचे सही है आपकी थाइज के पास आसपास ठीक है। लेकिन बैक अगर मेरे जैसे लीन है, बॉडी वॉडी इतनी नहीं बनी हुई है तो थोड़ा ठीक है, अदरवाइज अगर थोड़े चबी हैं और थोड़े फैटी हैं तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब गाड़ी घुमाते हैं और इसका स्टीयरिंग से रिलेटेड भी मैं चीज़ें बता दूं। अभी तक फिलहाल जीरो वाइब्रेशंस तो नहीं कहूँगा, जीरो नहीं है, थोड़े बहुत हैं, शुरू हुए थे उससे तो काफ़ी कम है। गाड़ी घुमा लें, स्टीयरिंग देखेंगे वापस आ रहा कि नहीं। नाइस, गाड़ी काफी सही है, मुझे बड़ी पसंद आई, मारुति की छोटी स्कॉर्पियो। इसका ब्रेक टेस्ट करते हैं, चलो पॉइंट टू पॉइंट चीजें। क्लच बहुत सही है, ये चीज मारुति की ओवरऑल सब गाड़ियों में ही सही है, क्लच ब्रेक एक्सेलरेटर के बीच में गैप काफी सही रहता है, कभी भी पैर एक दूसरे से नहीं टकराते जो कि बाकी गाड़ियों में किसी किसी में मिल जाता हमें, इसमें काफ़ी सही है। और मैं चलो यहीं स्ट्रेच अपना ठीक है तो 80 पे लेके चलता हूँ। एस्प्रेसो पेट्रोल मैनुअल 2021 एट 85। ब्रेकिंग डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन ब्रेक आवाज़ नहीं करते हैं तो ऐसा कुछ है, लेकिन फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील कॉन्फिडेंट व्हाइल हिटिंग द ब्रेक पैडल इन एस्प्रेसो, कोई आवाज़ नहीं करते। अभी टायर प्रेशर भी मैंने बिल्कुल चेक कराया, गाड़ी का बिल्कुल सही है, तो अब मेरे में कॉन्फिडेंस इतना है कि मैं एक बार इसके 100 पे चेक करना चाहूँगा। रोड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आएगी गाड़ी के अंदर, विंड नॉइज़ आएगी, रोड नॉइज़ आएगी,
अगर एक गियर डाउन करके रेस दे रहे हो तो फिर इंजन नॉइज भी आ जाएगी। और ये चीज़ें ऐसी है, जैसे मैंने बताया था, माइलेज के लिए आप गाड़ी ले रहे हो, सिटी में चलाइए, उसके लिए गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये जो चीज़ें तीन चार अभी मैंने बताई NVH लेवल्स गाड़ी के नहीं है, बिल्ड नहीं है, ज़ीरो है, ये चीज़ें आप इसमें एक्सपेक्ट ना करें तो ही अच्छा होगा। बाकी कम्फर्ट काफ़ी सही है गाड़ी में, और CNG में भी अच्छी है, उसका वीडियो आए जैसे मैंने बताया आएगा, देख लेना। देख रहे हो पिकअप, पीछे का शायद थोड़ा सा खुला है विंडो, इस वजह से आवाज़ कर रही है। और अब हम इसका ब्रेक टेस्ट करेंगे, ये गाड़ी निकल जाए बस। अभी से बोल देता हूँ, एस्प्रेसो 2021 पेट्रोल मैनुअल VXI प्लस एट 100। काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन पता है एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि गाड़ी की शेप ऐसी है कि रोल ओवर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा धीरे चलाता हूँ, मैं रिव्यू अपना दे देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ वीडियो। रोल ओवर होने के चांसेस शेप के अकॉर्डिंग है, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी में। ठीक है, तो रोल ओवर होने के चांसेस हैं, बट स्टिल गाड़ी बहुत स्टेबल थी 100 की स्पीड पे, वैसे चलाने में भी, और जब मैंने ब्रेकिंग करी तो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। स्ट्रेट लाइन में रुकती है, कोई आवाज़ नहीं करती है, स्टॉपिंग डिस्टेंस थोड़ी सी गाड़ी की ज़्यादा है, लेकिन अगर स्पीड कंसिडर करें तो ठीक है बस। लेकिन हाँ, थोड़ी सी ज़्यादा ब्रेकिंग डिस्टेंस थी। सिलेरियो की ब्रेक इस सेगमेंट में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, बहुत आवाज़ करते हैं लेकिन रुकती गाड़ी बहुत जल्दी है। तो एक ये चीज़ है पॉजिटिव्स गाड़ी के, मैं बता देता हूँ कि गाड़ी स्टेबल है, और गाड़ी के जितने भी कंट्रोल्स है, स्टेयरिंग हो गया, ब्रेक लीवर, ब्रेक पैडल हो गए, एक्सेलेटर, इनमें कोई वाइब्रेशन इतने नहीं है कि परेशान कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, सारे कंट्रोल्स आपके रीच में है, बहुत अच्छी सी गाड़ी है, माइलेज आपको बहुत अच्छी देगी। नेगेटिव गाड़ी का ये है कि NVH इतने गाड़ी के अच्छे नहीं है, शायद आप डैम्पिंग वैम्पिंग कराओगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वही अगेन वही कि ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो इस गाड़ी से। और मेरे ख्याल से दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ज़्यादा खींचने का कोई फ़ायदा नहीं, एक बेसिक रिव्यू जो होता है गाड़ी का वो मैं आपको दे चुका हूँ। विंडोज़ गाड़ी के बहुत अच्छे हैं, तो छोटी होने के बावजूद स्पेस को ऐसे मैनेज किया गया कि विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा, तो इधर उधर अगर देखोगे ना तो कभी नहीं लगता कि आप एस्प्रेसो या एक छोटी गाड़ी आप चला रहे हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, वेट फॉर द CNG वेरियंट्स वीडियो, एंड कमेंट करना एस्प्रेसो किस किस के पास है, एंड वट आर योर रिव्यूज़ ऑन दिस कार, तो कमेंट डाउन, थैंक यू।